पंढरपूरच्या विठ्ठल आणि सिद्धेश्वर महाराज यांना भी नमस्कार करीत आहे। ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है। 22 जनवरी को सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊंगा। साथियों ये भी संयोग है कि इसकी शुरुआत मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमि से हुई। राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है। अब बताइए मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आपकी भी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। करेंगे ना? सब लोग राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे, शाम को करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में करोगे? अगर राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। आप सबके मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए, सबके जिसके हाथ में मोबाइल फोन है वो वहां दूर भी लोग हैं, मैंने तो सोचा नहीं था ये फ्लैश लाइट होने के बाद दिखने लगा है, इतनी भारी भीड़ है। जरा हाथ ऊपर करके बताइए 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे? शाबाश।
आज महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के लिए 2000 करोड़ रुपए के सात अमृत प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ किया गया है। मैं सोलापुर वासियों को, महाराष्ट्र के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही कि मोदी जी के कारण महाराष्ट्र का गौरव बहुत बढ़ रहा है। श्रीमान शिंदे जी, ये सुनकर तो अच्छा लगता है और पॉलिटिशियन को तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र का नाम रोशन हो रहा है, महाराष्ट्र की जनता के परिश्रम और आप जैसी प्रगतिशील सरकार के कारण हो रहा है, और इसलिए पूरा महाराष्ट्र बधाई के पात्र है। साथियों, प्रभु राम ने हमें हमेशा अपने वचन की मर्यादा रखने की सीख दी है। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत मनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है, और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था, तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। आज मोदी ने ये गारंटी पूरी की है। आप जानते ही हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, यानी मोदी की गारंटी म्हणजे गारंटी पूर्ण होण्याची संपूर्ण गारंटी। अब ये लाखों रुपए के घर आपकी संपत्ति है। मैं जानता हूं जिन जिन परिवारों को ये घर मिले हैं उनकी अनेक पीढ़ियों ने बेघर रहते हुए इतने तरह के कष्ट झेले हैं। मुझे विश्वास है इन घरों के साथ कष्टों का वो कुचक्र टूटेगा,
के बच्चों को वो सब नहीं देखना पड़ेगा जो आपने देखा है। 22 जनवरी को जो राम ज्योति आप जलाएंगे वो आप सभी के जीवन से गरीबी का अंधेरा दूर करने की प्रेरणा बनेगी। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे यही प्रभु राम से मेरी कामना है। और मैं देख रहा था, अभी जुस्सादार भाषण सुन रहा था अदाम जी का, मुझे खुशी हुई कि 2019 में जब मैं मिला था तो वो काफी पतले थे। आज देखिए फल खा खा करके हैं, सफलता के फल काफी वजन बढ़ा है, और ये भी मोदी जी गारंटी का परिणाम है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब ये मकान आपको मिल रहे हैं, जीवन की शुरुआत हो रही है, तो मेरा यही भाव है, आप ले जीवन सुखाने भरुण राहो, हीच राम प्रभुची इच्छा आहे। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। मानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जे ही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, जे ही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, कर ही कृपा निधि सोई संजोगा। यानी जनता जिससे सुखी होती है, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वैसे ही कार्य किया करते थे। जनता जनार्दन की सेवा के लिए इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है। इसलिए 2014 में सरकार बनते ही मैंने कहा था, मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। इसलिए हमने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लागू की जिससे गरीब की मुश्किलें कम हो, उनका जीवन आसान बने। साथियों, घर ना होने की वजह से, शौचालय ना होने की वजह से गरीब को कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता था। विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए ये बहुत बड़ी सजा थी। और इसलिए सबसे पहले हमने गरीबों के घर और शौचालय के निर्माण पर ध्यान दिया। हमने 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर गरीबों को दिए। वो सिर्फ शौचालय नहीं है, हमने इज्जत घर दिया है, मेरी माताओं बहनों की इज्जत की गारंटी दी है। हमने 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए। आप सोच सकते हैं, जिनको यहां घर मिला है पूछ लीजिए जीवन में कितना संतोष है। ये तो 30,000 है, हम 4 करोड़ को दे चुके हैं, कितना संतोष होता होगा। 2 प्रकार के विचार रहते हैं, एक राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए
लोगों को भड़काते रहो भड़काते रहो भड़काते रहो। हमारा मार्ग है डिग्निटी ऑफ लेबर, हमारा मार्ग है आत्मनिर्भर श्रमिक, हमारा मार्ग है गरीबों का कल्याण। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नए घरों में रहने जाने वाले हैं, आप बड़े बड़े सपने देखिए, छोटे सपने मत देखना। और ये मोदी की गारंटी है, आपके सपने ये मेरा संकल्प है। पहले के समय में शहरों में जहां झुग्गियां ही झुग्गियां बनी, आज हम उन झुग्गी वासियों को पक्के घर बनाकर देने का काम कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि रोजी रोटी के लिए गांव से आने वाले लोगों को भाड़े पर झुग्गियों में ना रहना पड़े। आज शहरों में ऐसी कॉलोनियां बनाई जा रही हैं जहां उचित किराए पर ऐसे साथियों को मकान मिल सके। एक बड़ा अभियान हम चला रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जहां लोग काम करते हैं उसके आसपास ही आवास का प्रबंध हो। मेरे परिवारजनों, हमारे देश में लंबे समय तक गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे, लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी। ऐसे सूत्र चलते थे, आधी रोटी खाएंगे। अरे क्यों भाई, आधी रोटी खाएंगे और तुमको वोट देंगे, ऐसा कहते थे लोग। क्यों आधी रोटी खाएंगे, मोदी है पूरी खाएंगे। जनता जनार्दन का यही सपना, यही संकल्प, यही तो फर्क है। और साथियों, जैसे सोलापुर श्रमिकों की नगरी है ना, मेरा कार्यक्षेत्र अहमदाबाद रहा, वो भी श्रमिकों की नगरी है, वो भी टेक्सटाइल के श्रमिकों की नगरी है। अहमदाबाद और सोलापुर का इतना निकट नाता है, और मेरा तो सोलापुर से और भी निकट नाता है। मेरे अहमदाबाद में यहां से पद्मशाली काफी परिवार अहमदाबाद में रहते हैं, और मेरे जीवन का सौभाग्य रहा, मेरे पूर्वाश्रम में मुझे महीने में 3-4 बार भोजन खिलाते थे हमारे पद्मशाली परिवार। छोटी चाल में रहते थे, 3 लोगों के बैठने की जगह नहीं होती थी, लेकिन मुझे कभी भूखा सोने नहीं देते थे। और मैं तो आश्चर्य था, एक दिन सोलापुर के किसी सज्जन ने, बहुत साल हो गए नाम मुझे याद नहीं रहा है, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह वीविंग किया हुआ एक बहुत बढ़िया चित्र मुझे भेजा। महाराष्ट्र के सतारे के लक्ष्मण राव इनामदार वकील साहब, जिनका मेरे जीवन में गढ़ने में बहुत बड़ा रोल था, कहीं से वो चित्र ला करके उस चित्र को उन्होंने इस प्रकार से उकेरा था अपनी बुनने की कला से, और वो मुझे अद्भुत चित्र उन्होंने भेजा था। आज भी सोलापुर मेरे दिल में बसा हुआ। मेरे परिवारजनों, हमारे देश में लंबे समय तक ये जो गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे ना, लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि गरीबों के नाम पर योजनाएं तो बनाई जाती थी, लेकिन उनका लाभ असली हकदार को नहीं मिलता था। पहले की सरकारों में गरीब के हक का पैसा बीच में ही बिचौलिए लूट जाते थे, यानी पहले की सरकारों की नीयत, नीति और निष्ठा कटघरे में थी। हमारी नीयत साफ है,
और नीति गरीबों को सशक्त करने की है। हमारी निष्ठा देश के प्रति है, आमची निष्ठा देशा प्रति है। भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्या साठी आहे। इसलिए मोदी ने गारंटी दी कि सरकारी लाभ अब डायरेक्ट लाभार्थी तक पहुंचेगा, कोई बिचौलिया नहीं। हमने लाभार्थियों के रास्ते में खड़े बिचौलियों को हटाने का काम किया। ये जो लोग कुछ चिल्लाते हैं ना, उसका कारण यही है, मलाई खाना उनका बंद हो गया है। हमने बीते 10 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे गरीब, किसान, महिला और युवा लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। जनधन, आधार और मोबाइल कवायद बनाकर हमने करीब 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थियों को हटाया जिनका जन्म भी नहीं हुआ था और जो आपके हित के पैसे खा रहे थे। जो बेटी पैदा नहीं हुई वो विधवा हो जाती थी, सरकार से पैसे मार लिए जाते थे। जो व्यक्ति पैदा नहीं हुआ उसको बीमार दिखा करके रुपये मार लिए जाते थे। साथियों, जब हमारी सरकार ने गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम किया, गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं शुरू की, तो इसके नतीजे भी निकले। हमारी सरकार के 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है साथी, 10 साल की तपस्या का परिणाम है। गरीबों के लिए जिंदगी खपाने के संकल्प का परिणाम है। और जब सच्ची इच्छा, निष्ठा, पवित्रता से काम करते हैं तो परिणाम भी अपनी आंखों के सामने दिखते हैं साथियों। और इसके कारण बाकी साथियों को भी विश्वास मिला है कि वे भी गरीबी को हरा सकते हैं। साथियों, देश के 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को कैसे परास्त किया, ये देश के लोगों की बहुत बड़ी सफलता है। मैंने हमेशा कहा है कि गरीब को साधन संसाधन मिले तो उसमें इतना सामर्थ्य है वो गरीबी को परास्त कर देता है। इसलिए हमने देश के गरीबों को सुविधाएं दी, साधन दिए और उनकी हर चिंता दूर करने का ईमानदारी से प्रयास किया। एक समय था जब गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी 2 वक्त की रोटी। आज हमारी सरकार ने देश के गरीबों को मुफ्त राशन देकर उसे अनेक चिंताओं से मुक्त किया है। आधी रोटी खा के नारे नहीं लगाएगा। कोरोना के समय शुरू की गई ये योजना अब अगले 5 साल तक भी बढ़ा दी गई है। और मैं देशवासियों को वादा देता हूं, मुझे संतोष है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और मुझे ये भी पता है कि आने वाले 5 साल जो गरीबी से बाहर निकले हैं उनको भी ताकत देते रहना पड़ेगा ताकि कभी किसी कारणवश गरीबी में लौट न जाए, फिर मुसीबत में फंस न जाए। और इसलिए जो योजनाएं हैं ना, उसका फायदा भी उनको मिलता रहने वाला है। एक्चुअली उनको तो ज्यादा देना आपका मन करता है क्योंकि वो हिम्मत के साथ मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए 25 करोड़ लोग, 50 करोड़ भुजाएं आज मेरी साथी बन गए हैं। और साथियों, हमने सिर्फ मुफ्त राशन की व्यवस्था ही नहीं की बल्कि राशन कार्ड से जुड़ी समस्या को भी हल किया। पहले एक जगह बना राशन कार्ड
दूसरे राज्य में चल ही नहीं पाता था। अगर कोई साथी काम के लिए दूसरे राज्य जाता था तो वहां उसे राशन लेने में बहुत सी मुश्किलें आती थी। हमने एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था बनाई, इससे एक राशन कार्ड पूरे देश में चलता है। अगर सोलापुर का व्यक्ति अगर चेन्नई में जाकर के कारोबार रोजी रोटी कमाता है तो राशन कार्ड नया नहीं निकालना पड़ेगा, चेन्नई में भी इसी राशन कार्ड से उसको अन्न मिलता रहेगा और यही तो मोदी की गारंटी है। साथियों, हर गरीब की हमेशा से चिंता रही है कि वो अगर बीमार हो गया तो फिर इलाज कैसे लगाएगा, और गरीब परिवार में अगर एक आध बार इलाज बीमारी आ गई तो मेहनत करके गरीबी से बाहर निकलने की उसकी सारी बातें टूट जाती हैं, वो फिर से बीमारी के कारण गरीबी के अंदर फंस जाता है, पूरा परिवार फिर संकट में फंस जाता था। इसे समझते हुए हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना शुरू की। आज इस योजना ने गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर मैं 1 लाख करोड़ रुपए की योजना घोषित कर देता तो पता नहीं 6-6 दिन तक अखबारों में हेडलाइन चलती रहती, टीवी में भी चमकता रहता, लेकिन ये मोदी की गारंटी की ताकत है। 1 लाख करोड़ रुपया इस योजना ने आपकी जेब में बचा दिया और जिंदगी बच गई हो। और आज सरकार पीएम जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवाई दे रही है, इससे भी गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। गरीब परिवार में बीमारी होने का एक बहुत बड़ा कारण गंदा पानी भी होता है, इसलिए हमारी सरकार आज जल जीवन मिशन चला रही है, हर घर को पानी के कनेक्शन से जोड़ रही है। साथियों, इन योजनाओं का लाभ पाने वालों में सबसे बड़ी संख्या पिछड़ों और जनजातीय समुदाय के लोगों की है। गरीब को पक्का घर मिले, शौचालय मिले, उसके घर में बिजली कनेक्शन हो, पानी हो, ऐसी सारी सुविधाएं, ये सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय की मोदी की गारंटी है। इसी सामाजिक न्याय का सपना संत रविदास जी ने देखा था, इसी भेदभाव रहित अवसर की बात कबीरदास जी ने कही थी, इसी सामाजिक न्याय का मार्ग ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले ने दिखाया था, बाबा साहब अंबेडकर ने दिखाया था। मेरे परिवारजनों, गरीब से गरीब को भी आर्थिक सुरक्षा का कवच मिले, ये भी मोदी की गारंटी है। 10 वर्ष पहले तक गरीब परिवार जीवन बीमा के बारे में सोच भी नहीं सकता था, आज उसे 2-2 लाख रुपए तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुरक्षा मिली है। ये बीमा सुरक्षा मिलने के बाद, यह आंकड़ा भी आपको प्रसन्न करेगा, ये बीमा सुरक्षा मिलने के बाद 16,000 करोड़ रुपए उन गरीब परिवारों को मिले हैं जिनके परिवार में कोई मुसीबत आ गई और ये बीमा के रूप में उनके खातों में ट्रांसफर किए गए। साथियों, आज मोदी की गारंटी सबसे अधिक उनके काम आ रही है जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। यहां इस सभा में भी अनेक साथी ऐसे हैं जिनके पास 2014 तक एक बैंक खाता तक नहीं था। जब बैंकों में खाता ही नहीं था तो उन्हें बैंकों से लोन कैसे मिलता? जनधन योजना चलाकर हमारी सरकार ने 50 करोड़ गरीबों को देश की बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। आज यहां पीएम स्वनिधि के
10,000 लाभार्थियों को भी बैंकों से मदद दी गई है और कुछ टोकन मुझे यहां देने का अवसर मिला है। 10,000 देश भर में बड़ी फुटपाथ पर छोटे छोटे काम करने वाले लोग, सब्जी बेचने के लिए अपनी सोसाइटी में आकर के सब्जी बेचने वाले लोग, दूध बेचने वाले लोग, अखबार बेचने वाले लोग, रास्ते पर खड़े रहकर के खिलौने बेचने वाले लोग, फूल बेचने वाले लोग, ऐसे लाखों साथियों को पहले किसी ने पूछा नहीं था, और जिनको किसी ने पूछा नहीं मोदी ने उसको पूजा है। आज मोदी ने पहली बार इन्हें पूछा है, इनकी मदद के लिए आगे आया है। इन साथियों को पहले बाजार से मांगे ब्याज पर ऋण लेना पड़ता था, क्योंकि इनके पास बैंक को देने के लिए गारंटी नहीं थी। मोदी ने इनकी गारंटी ली, बैंकों से मैंने कहा ये मेरी गारंटी है, उनको पैसे दीजिए, ये गरीब लोग लौटा देंगे, मेरा गरीब पर भरोसा है। और आज बिना गारंटी को ये रेड़ी पट्टी वाले लोगों को बैंक से लोन मिल रहा है। ऐसे साथियों को अभी तक हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। मेरे परिवारजनों, सोलापुर तो उद्योगों का शहर है, मेहनत का मजदूर भाई बहनों का शहर है। यहां निर्माण कार्य से छोटे और लघु उद्योगों से अनेक साथी जुड़े हुए हैं। सोलापुर के वस्त्र उद्योग की पहचान तो देश और दुनिया में है। सोलापुरी चादर के बारे में कौन नहीं जानता। देश में यूनिफॉर्म का काम करने वाली एमएसएमईज का सबसे बड़ा क्लस्टर सोलापुर में है। मुझे बताया गया कि यहां विदेशों से भी बड़ी संख्या में यूनिफॉर्म के ऑर्डर आते हैं। साथियों, कपड़े सिलने का ये काम तो अनेक पीढ़ियों से चल रहा है। पीढ़ियां बदली, फैशन बदले, लेकिन क्या किसी ने कपड़े सिलने वाले साथियों के बारे में कभी सोचा था क्या? मैं इन्हें अपना विश्वकर्मा साथी मानता हूं। ऐसे हर विश्वकर्मा साथियों का जीवन बदलने के लिए हमने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। और कभी कभी आप मेरे जैकेट देखते हैं ना, उसमें कुछ जैकेट सोलापुर से मेरा एक साथी बना करके मुझे भेजता है, मेरे मना करने पर भी बेहतर रहता है। एक बार तो मैंने उसको फोन करके बहुत डांटा, भाई तुम मुझे मत भेजो। बोले नहीं साहब, वो आज भी मुझे मिल गया है, बोले मैं लेके आया हूं। साथियों, ये विश्वकर्मा योजना के तहत इन साथियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, आधुनिक उपकरण दिया जा रहा है। अपना काम आगे बढ़ाने के लिए इन्हें बैंकों से बिना गारंटी दिए लाखों रुपए का ऋण भी मिल रहा है। इसलिए मैं सोलापुर के सभी विश्वकर्मा साथियों से कहूंगा, इस योजना से आप भी तेजी से जुड़िए। आजकल तो विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रही है। इसमें मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। इसमें आप पीएम विश्वकर्मा सहित सरकार की हर योजना से जुड़ सकते हैं। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत आचार निर्मित साठी आत्मनिर्भर भारत बनवणे जरूरी चाहे। विकसित भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है, और आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों की बहुत बड़ी भागीदारी है। इसलिए केंद्र सरकार एमएसएमईज को, छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है। कोरोना काल में जब एमएसएमईज पर संकट आया तो सरकार ने इन्हें लाखों करोड़ रुपए की मदद की थी। इससे लघु उद्योगों में बड़ी संख्या में रोजगार खत्म होने से बच पाए। आज सरकार देश के हर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना भी चला रहा है। वोकल फॉर लोकल का अभियान भी आज हमारे छोटे उद्योगों के प्रति जागरूकता बढ़ा रहा है। आज जिस प्रकार दुनिया में
भारत की साख बढ़ रही है, उससे मेड इन इंडिया उत्पादों के लिए संभावनाएं भी बढ़ रही है। केंद्र सरकार के इन सारे अभियानों का लाभ सोलापुर के लोगों को हो रहा है, यहां के उद्योगों को हो रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारी केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में, अगले मेरे कार्यकाल में भारत भी दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होने वाला है। मैंने देशवासियों को गारंटी दी है कि आने वाले मेरी टर्म में मैं पहले 3 देशों में दुनिया में भारत को ला करके खड़ा करूंगा। ये मोदी ने गारंटी दी और आपके भरोसे मुझे लगता है मेरी ये गारंटी पूरी होगी। आपके आशीर्वाद की ताकत है। अर्थव्यवस्था के इस विस्तार में सोलापुर जैसे महाराष्ट्र के हमारे अनेक शहरों की बड़ी भूमिका है। डबल इंजन की सरकार इसलिए इन शहरों में पानी और सीवेज जैसी सुविधाओं को लगातार बेहतर बना रही है। शहरों को अच्छी सड़कें, रेलवे और हवाई मार्ग से जोड़ने का काम तेजी गति से चल रहा है। संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग हो या संत तुकाराम पालखी मार्ग हो, इन पर भी तेजी से काम जारी है। रत्नागिरी कोल्हापुर और सोलापुर के बीच 4-लेन हाईवे का काम भी जल्द ही पूरा होगा। आप सभी परिवारजनों ने ऐसे ही विकास के लिए हम सभी को बहुत आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, इसी विश्वास के साथ। साथियों, आज अपना पक्का घर मिला है, जिन्हें पक्का घर मिला है उनको फिर से बधाई। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की। आवाज पूरे महाराष्ट्र में पहुंचनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये जो आप जयकारा बुला रहे हैं ना, ये जयकारा देश के हर गरीब में नया विश्वास पैदा करने की ताकत रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।